लंदन में मोदी जी का भाषण फुल स्केल चुनाव कैंपेन लॉन्च करने का एक बड़ा ऐलान है। आपको याद होगा 2012 में जब मुख्यमंत्री थे तो गूगल हैंगआउट के जरिए इसी तरीके से उन्होंने अपनी ओवर आर्चिंग थीम को सामने रखा था कि 2014 के चुनाव में वो क्या प्रोजेक्शन देना चाहते हैं। उसके बाद मेडिसन स्क्वायर दूसरा बड़ा इवेंट के मामले में एक हाई पॉइंट था और ये तीसरा बड़ा हाई पॉइंट है जिसमें 2019 के चुनाव का नगाड़ा उन्होंने बजा दिया है। मैं नहीं चाहता हूँ इतिहास में अमर होने के लिए, अगर मकसद है तो मेरा देश, जो लोग मुझे पत्थर फेंकते हैं मुझ पर, मैं उन पत्थरों से ही पक्षी बना देता हूं और उसी पक्षी पर चढ़ करके आगे चलता हूं। चूंकि सरकार इस वक्त डिफेंसिव पर है बहुत सारे मुद्दों पर, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा और महिला सुरक्षा का मुद्दा शामिल है, राजकाज की दिक्कतों के मुद्दे शामिल हैं। दरअसल इस कार्यक्रम को देख के मुझे तो ऐसा लगा कि व्हाट्सएप में जो वीडियो भेजे जाने वाले हैं उसको पहले सोचा गया है, प्रश्नोत्तर को उसी हिसाब से वीव किया गया है। प्रधानमंत्री जी की बातों को गौर से सुने तो उसमें से थीम ये निकलती है, वो अपने वोटर के मन में ये भाव पैदा करना चाहते हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जी की नीयत अच्छी है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, समय लगता है क्योंकि बहुत पुराना कूड़ा कचरा इकट्ठा हुआ हुआ है देश में, उसको साफ करना पड़ता है, इसलिए इनको एक मौका और दीजिए। और 2019 की बात दिमाग से हटे इसीलिए बहुत सारी डिलीवरी के लिए मोदी जी लगातार ये बात कहते हैं। और यहाँ भी इन्होंने कहा है कि 2022 तक मैं ये कर दूंगा, 2022 तक वो काम पूरा कर दूंगा, यानी मेंटली 2022 के फ्रेमवर्क में आपको ले जाने के लिए बीच में से 2019 का वोट आपसे लेने की कोशिश की जा रही है। सरकार हमारी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, मैं मानूंगा कम से कम इस 5 वर्ष, मैं आगे के लिए नहीं कह रहा हूं, इस 5 वर्ष पहले की सरकार की तुलना में हम कहां है, ये अगर कंपेरेटिव देखोगे, मैं दावे से कहता हूं हर पैरामीटर में देश के लिए अच्छा करने में कोई कमी हमने नहीं रखी है। उनके पूरे भाषण में महिला और गर्ल चाइल्ड पर बहुत फोकस था। प्रधानमंत्री जी ने उन्नाव और कठुआ के बाद इस पर बयान दे करके उस पर एड्रेस करने की कोशिश की भी, लेकिन यहाँ पर इसको वो अगर आलोचना समझें, आरोप न समझें, तो हम ये बताना चाहेंगे कि उनके बयान के बाद जो सोशल मीडिया की सुरंग है उस पर नफरत, लड़ाई और गंदी बातों का एक नया सैलाब आ गया है, उस पर केस मुकदमे हो सकते हैं। इस सरकार को अगर स्टेट कॉम्प्लिसिट नहीं है उन्नाव में एक विधायक के जरिए और कश्मीर में 2 मंत्रियों के जरिए ये जो मोदी जी ने करके दिखाया है, तो उसी का लॉजिकल कोरोलरी ये है कि वो इन लोगों को, नफरत फैलाने वाली बातों को और कठुआ को एक नए ढंग से सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। किसी छोटी बालिका पर बलात्कार होता है, कितनी दर्दनाक घटना है जी, लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि तुम्हारी सरकार में इतने होते थे, मेरी सरकार में इतने होते हैं? मैं समझता हूँ इससे बड़ा गलत रास्ता नहीं हो सकता है। बलात्कार बलात्कार होता है, एक बेटी के साथ ये अत्याचार कैसे सहन कर सकते। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा जोर देकर डिटेल में ये बताया कि उनको आलोचना कितनी पसंद है, लेकिन आजकल हम लोग आरोप लगाते हैं क्योंकि होमवर्क कौन करे, रिसर्च कौन करे। इसमें मेरे बहुत छोटे छोटे से मुद्दे हैं। बेरोजगारी का आंकड़ा आरोप है या आलोचना? गंगा की सफाई नहीं हुई, डिजिटल इंडिया धक्के खा रहा है, डीमोनिटाइजेशन अगर फेल हुआ और GST घिसट करके चल रहा है और काला धन की समस्या नोटबंदी ने समाप्त नहीं की है, तो ये आप आरोप मानेंगे या आलोचना? क्रिटिसिज्म से ही तप करके डेमोक्रेसी पनपती है और सरकारों को भी और शासन में बैठे हुए लोगों को भी वो सतर्क रखती है। दुर्भाग्य ये है कि आलोचना करने के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसकी बारीकी में जाना पड़ता है। उस मर्यादाओं को तोड़ करके एलिगेशन का रूप ले लिया है। मोदी जी के भाषणों की एक खास बात यह है
कि जो पॉसिबल क्रिटिसिज्म हो सकता है, जो न्यूज एनालिसिस हो सकती है, वो भी एक प्रकार से खुद करके प्रीएम्प्ट करके हम लोगों का काम बेकार या मुश्किल कर देते हैं। इसका उदाहरण ये है कि देखिए, हो सकता है मेरे इस कार्यक्रम के बारे में लोग बोलें कि ये स्टेज मैनेज्ड है। कोई ये भी कह सकता है कि देखो यार, ये मोदी जी ने आज पता नहीं जवाब नहीं दे पाते हैं कहीं पर, तो जाकर के उन्होंने स्टेज मैनेज शो कर लिया, अपना कर रहे हैं। हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहेंगे। हो सकता है कोई कहे कोरियोग्राफ्ड है, कोई कहे कि स्टेज मैनेज्ड है, लेकिन हम तो सिंपल बात कहेंगे कि मोदी जी इस तरह के इवेंट में अपना स्टेज, अपना संदेश और अपना सेगमेंट उन्होंने साफ तौर पर चुना है। जाहिर है कि इसमें कुछ गलत तो नहीं है। लाखों समस्याएं हैं तो 125 करोड़ समाधान भी है। अब 4 साल होने आए हैं प्रधानमंत्री का, प्रधान सेवक का काम मुझे मिल गया है, लेकिन गलत इरादे से कोई काम नहीं करूंगा, मैंने देश को वादा किया है। लंदन के कार्यक्रम में मोदी जी ने अपने मामूलीपन पर, अपने अभाव भरे बचपन पर, अपनी फकीरी पर और अपने बहुत साधु स्वभाव पर बड़ा जोर लगाया। यहाँ तक कह करके लोगों का मन जीतने की कोशिश की कि बस मैं तो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहूँगा, किसी एक दिन हंसते हंसते यूं ही चले जाना चाहूँगा। लेकिन पूरे भाषण में 125 करोड़ भारतीय, मैं, मेरा काम और मोदी का खुद का थर्ड पर्सन में नाम लेना, इसमें एक ऐसा पर्यायवाची समागम था कि पता नहीं चलता था कि कौन सा शब्द किसके लिए है। एक बड़ा फेमस पॉलिटिकल कोट है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कभी कहा था, उनसे पूछा गया कि आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है, तो उन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया कि इवेंट माई डियर बॉय, इवेंट। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज कोई ये सवाल पूछे कि आपको किस चीज़ से ज़्यादा डर लगता है, तो ये जवाब होगा कि इवेंट मैनेजमेंट माई डियर सर, इवेंट मैनेजमेंट।